ये कहानी ना मेरी है, और ना मेरी। ये कहानी है हर उस नेपाली की जो अपना देश छोड़ के भारत आता है और यहीं का हो जाता है। ये नेपाली अपना देश, घर और यहाँ तक कि नाम भी वहीं पे छोड़ाते हैं, और भारत में इन्हें बहादुर के नाम से बुलाया जाता है। यह है हमारा दोस्त बहादुर, नहीं दीपक, दीपक राणा। हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि दीपक अपने घर वालों से मिल सके। आप लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और बाकी काम यूट्यूब का एल्गोरिदम करेगा। दीपक की कहानी दीपक से ही सुनते हैं। नाम मेरा दीपक है। हमारा देश है नेपाल, महेंद्र नगर और देगत भूली, और घर में है रामदास और लालदास, और मम्मी का नाम है पूना और भजुआ राणा। दीपक है मेरा ना, छोटे छा में, वहाँ से मैं आया यहाँ पहाड़ उत्तराखंड लोहागाट चंबावत। वो ठेकेदार के पास में था मैं, वो ठेकेदार का नाम पता नहीं, वो ठेकेदार का नाम उम्र मेरी होगी होगी 50। भजुआ माता का नाम भाना, भाई का नाम राम, राम साहेब, हाँ लाल दास, हाँ दोनों के साथ ही होगी। इतने बड़े बड़े जाते हैं बड़े वाले भी, तो इन नेपाल तो मेरे को मुश्किल है जाना भाई, मैं नेपाल तो नहीं जाना। पहले मैं उत्तराखंड में था, उत्तराखंड से मैं यहाँ आया, प्लेन्स में आया, प्लेन्स में मैं काम करने लगा, यहाँ किसके वहाँ करने लगा, यहाँ मैं विदुर डॉक्टर के वहाँ करने लगा काम। यहाँ करते करते मेरे हो गए 10 साल हो गए काम करते करते, अब यहीं मेरे को अब रहने पड़ेगा। अब जब पहले से भी जवान से यहाँ तक बुढ़ापा तक यहीं जमने पड़ेगा अब जा मेरे को। स्कूल 5 तक पढ़ा था मेरे को, 5 क्लास तक, 5वीं क्लास तक, हाँ लिखना है मेरे को। हमारा गांव का नाम है देगत भूली, कंचनपुर और महेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट, और हमारा राजधानी काठमांडू। गेहूँ हमारे वहाँ होता है, और चने, बाजरा और सेब, संतरा, महुआ, मच्छी, मछली, मुर्गा, सांप, 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 पानी मच्छी, सांप के बोलते हैं उससे, पता नहीं जब मिली नहीं थी कहाँ कर करेंगे शादी, यहाँ यहाँ कहाँ से लाएंगे, जब मिलेगा जब शादी होगी। देखिए किस तरीके से दीपक इन बैलों की सेवा करता है। इस बैल का एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए इसे दीपक धीरे से खींच के ले जा रहा है। इस बैल को 3 पैरों पर चलने से परेशानी होती है। यह दीपक का असिस्टेंट है बैजनाथ। यह झारखंड का वनवासी है। वनवासी होने के कारण इसे लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनानी आती है। देखिए कितनी अच्छी गुलेल बनाई है इसने। दीपक पशुओं को पानी पिलाता है। पशुओं को पानी पिलाने के लिए उन्हें पकड़ के रखना पड़ता है। दीपक इस बैल को पानी पिला के बुग्गी में जोड़ रहा है, ताकि इस बैल को रास्ते में प्यास ना लगे।
बुग्गी के ऊपर गोबर रखा हुआ है। जैसे ही दीपक बुग्गी को ऊपर करता है, वैसे ही बैल अपना सिर नीचे कर लेता है ताकि बैल के गर्दन पे बुग्गी रखी जाए, इसलिए बैल ट्रेंड होते हैं। बैल की गर्दन भी एक जगह होती है जिस पे बुग्गी को रखते हैं ताकि बैल का सिर नीचे न रह जाए। दीपक बैल की रस्सी खींच के बैजनाथ के साथ बैल को खेत ले जा रहा है। पहले दीपक पक्के रास्ते तक बैल को खींच के ले जाएगा, उसके बाद बैल खुद ही चलेगा। देखिए कैसे बैल चल रहा है। गन्नों के खेतों के बीच में दीपक और बैजनाथ बैल के साथ चल रहे हैं। दीपक और बैजनाथ खेत में पहुंचने वाले हैं। खेत पहुंच के दीपक ने बैजनाथ को कहा बुग्गी से गोबर उतारने के लिए। बैजनाथ ने बुग्गी से गोबर उतार दिया है। अब वो आगे अपने रास्ते पे जा रहे हैं। अब दीपक और बैजनाथ खेत पहुंच गए तो दीपक बैल की गर्दन से बुग्गी उतार रहा है ताकि बैल को काफी देर तक खड़ा ना रहना पड़े। अब गन्ने की फसल कटने को तैयार है, पर उसके बगल में गन्ने के छोटे छोटे पौधे और उग गए तो दीपक उसे काट रहा है। यह गन्ने के छोटे पौधे बाद में पशुओं के चारे के काम आते हैं। दीपक थोड़ा और अंदर घुस के गन्ने के छोटे पौधे काट रहा है और ये उत्तम भैया है जो कि अभी चावल काट रहा है। अब बैजनाथ बुग्गी पे कटे हुए चावल के पौधे रख रहा है। यह हमारा दोस्त अर्जुन जो कि बैल को खाना खिला रहा है। दीपक और बैजनाथ खेत से पशुओं का चारा लेके आ गए हैं। पुराली और गन्ने की हरी पत्तियाँ, ये घास काटने की मशीन है, ये मोटर से चल रही है। दीपक पहले गन्ने की हरी पत्तियाँ घास काटने की मशीन पर रखता है, उसके बाद बैजनाथ पुराली रखता है। गन्ने की हरी पत्ती और पुराली से पशुओं का हरा चारा तैयार होता है। बैजनाथ असिस्टेंट है और दीपक उसका बॉस। दीपक के यहाँ पर बहुत सारे पशु हैं, गाय, बैल, बछिया, बछड़े, इसलिए इन्हें बहुत सारा चारा तैयार करना पड़ता है। घास कटने ही वाली थी कि मोटर के ऊपर से बेल्ट उतर गई। देखिए घास काटने की मशीन पे कितनी बड़ी पुली है। अब दीपक पुली के ऊपर बेल्ट चढ़ा रहा है। दीपक ने मोटर ऑन करी है और अब वो बेल्ट को खींच रहा है, डंडे से बेल्ट को उतरने से रोक रहा है। अब बैजनाथ को भी ट्रेनिंग मिल चुकी है और अब वो भी दीपक का काम कर रहा है। अब एक नेपाली गाने का आनंद लेते हैं। किसी की दिक्कत चला पहले हमारे घर पर जब मैं आया था बाहर में 60 रुपए खाने के फूल बुट्टे सारी सपक कपारी पछोरी मल मल को फूल बुट्टे सारी सपक कपारी पछोरी मल मल को औसी माँ बसी तिमीलाई हेरदा मन मेरो हल चल भो बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हल चल भो कान्छाको केश फिजारी रे सभी चुल्को ओडी रखूं
जुई फुली सक्यो चमेली फुल देछन् किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमी तिरै भुल देछ किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमी तिरै भुल देछ कान्छा को केश पक्का पारी पछ्यौरी मल मल को